गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब मैं सिक्स चैप्टर में से कल एक टॉपिक दे गया था, कल मैंने फॉर्मूला आपको भेजा 13 चैप्टर का लर्न करने के लिए, बट एक जो सिक्स चैप्टर में से मैं भूल गया था आपको कन्वर्स पाइथागोरस का थ्योरम करवाना। तो मोस्टली इस चैप्टर में तीन थ्योरम से तीनों में से कोई एक एग्जाम में 101% आएगा, सो तीनों थ्योरम आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, कन्वर्स का मतलब पाइथागोरस का उल्टा, कन्वर्स पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस का उल्टा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बी इज राइट एंगल दिया होगा और अपन को क्या प्रूफ करना होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर दिया है, आपको प्रूफ करना है बी इज राइट एंगल, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी वही है, देखो इन्हें ट्राइंगल योर स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट इज फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, अपोजिट साइड जो है वो राइट एंगल है, ऐसा प्रूफ करना है। सो प्रूफ के लिए मिल लेते हैं, वी हैव गिवन ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर है, एंड वी हैव वी नीड टू प्रूफ एंगल बी इज अ 90। मैंने कंडीशन पहले लिख दिया, मेरे को क्या मिला है वो लिख दिया गिवन, और मुझे एक प्रूफ करना है एंगल बी 90। सो लेट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक अलग से देखो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाया ए बी सी और एक पी क्यू आर, मैंने ऊपर बनाया क्योंकि मेरे को जगह नहीं है, आप लोग इसको क्वेश्चन के बाद मतलब यहाँ के बाद आप लिख सकते हो या तो प्रूफ के बाद नीचे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मोस्टली इसके बाद लिख दो तो अच्छा है, राइट एंगल लिख के इसके नीचे डायग्राम ड्रॉ करना आप लोग, ठीक है। तो वहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया पी क्यू आर, ठीक है, मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, क्यू इज 90 डिग्री, क्या बनाया है क्यू इज 90 डिग्री, देन सच दैट कंस्ट्रक्शन के साथ जब पी क्यू और ए बी सेम है और क्यू आर और बी सी सेम है, ठीक है। तो अभी 90 डिग्री बात किया ना मैं, तो 90 डिग्री है वो क्यू, तो अपन वहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया। देखो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, 90 डिग्री है क्यू है इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। बट यहाँ मेरे पास क्या है, पी क्यू का ए बी है और क्यू आर की जगह बी सी है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पी क्यू की जगह पे क्या कर दिया मैंने, ए बी ले लिया, क्यू आर की जगह पे बी सी ले लिया, तो स्क्वायर से। बट यहाँ मेरे गिवन में क्या है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर है, तो मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या ले लूंगा, ए सी स्क्वायर। तो अभी मेरे पास बी आर इक्वल्स टू ए सी आ गया, दैट मीन्स आपको सिमिलर ट्राइंगल का रूल पता है, ये तीनों साइड अगर सेम है तो सिमिलर ट्राइंगल। सो नाउ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, बाई कंस्ट्रक्शन से पता चला, और मेरे को प्रूफ भी हो गया ए सी इक्वल्स टू पी आर भी प्रूफ हो गया। सो ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती है तो एंगल्स भी सिमिलर होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिमिलर दोनों अगर एंगल्स भी सिमिलर हो जाता है, साइड सेम है तो एंगल्स भी क्या होगा, सेम होगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी क्यू आर सिमिलर, बी इज इक्वल टू क्यू, बी इक्वल्स टू क्यू, मेरा बी और ये क्यू दोनों इक्वल है, क्लियर। क्यू इज 90 डिग्री, क्योंकि आपने बोला भी है कि क्यू इज 90 डिग्री, देन बी ऑल्सो 90 डिग्री, इट्स प्रूफ्ड। और आपको प्रूफ करने के बाद यहाँ बड़े इस लकीर खींच के ऐसे ऐसे बनाना है, दैट मीन्स वी आर प्रूफ्ड, ठीक है। आंसर जहाँ प्रूफ हो जाते हैं थोड़ा डार्क कलर में ऐसे बॉक्स बना देना, दैट मीन्स अपना आंसर प्रूफ हो गया है। सो मैं ना इसे बता दे, देखो खाली आपको क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर दिया हुआ है, वी हैव टू प्रूफ बी इज राइट एंगल, ठीक है। तो इन दैट वी हैव लेट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें क्यू इज 90 डिग्री एंड सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू ए बी, क्यू आर इक्वल्स टू ए सी मान लिया, ठीक है। सो पी क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये 90 डिग्री का मैंने है तो इसलिए ऐसे ले लिया, बट यहाँ मेरे को कॉमन दिया हुआ पी क्यू का ए बी स्क्वायर है और क्यू आर का दिया बी सी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर काट गया तो पी आर इक्वल्स टू ए सी आ गया, दैट मीन्स तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम हो गया, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हुए। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, एंगल्स भी सेम होते हैं, तो एंगल क्यू इज 90 डिग्री है तो एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, इट्स प्रूफ।